जर्सी हुआ हो, यानी कौन? थॉमस अल्वा एडिसन सन 1876 ईस्वी में बा खरीदा एक पीस टुकड़ा ऑफ लैंड, जमीन का, भूमि का। तो 1876 ईस्वी में जमीन का एक खंड खरीदा या एक टुकड़ा खरीदा इन द विलेज गांव में नियर न्यू जर्सी, न्यू जर्सी के नजदीक गांव में खरीदा। एंड सेट अप ए बिग लेबोरेटरी, सेटअप स्थापित किया, सेटअप में स्थापित किया ए बिग लेबोरेटरी, एक बड़ी लेबोरेटरी प्रयोगशाला। ही इंप्लॉयड मेनी असिस्टेंट, वह इंप्लॉयड माने नियुक्त किया, इंप्लॉयड मींस नियुक्त किया मेनी असिस्टेंट, कई सहायकों को, असिस्टेंट माने सहायक, उसने उस लेबोरेटरी में कई सहायकों को नियुक्त किया। ही वाज ए गुड इंप्लॉयर, वह एक अच्छा नियुक्ति करने वाला, अर्थात वह एक अच्छा, यहाँ पर एम्प्लॉयर का हो गया मालिक से, वह एक अच्छा मालिक था। आई एम वेरी काइंड टू ऑल हिज असिस्टेंट, वेरी काइंड बहुत दयालु था टू ऑल, किसके प्रति? अपने सभी असिस्टेंट सहायकों के प्रति, अपने सभी सहायकों के प्रति वह बहुत दयालु था। ही वर्क वेरी हार्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं बहुत कठिन काम करता था, बहुत परिश्रम करता था। एंड मेड अदर्स वर्क हार्ड आल्सो, वह बहुत कठिन परिश्रम करता था। एंड मेड अदर्स वर्क हार्ड, तो मेड अदर्स वर्क हार्ड मतलब अन्य लोगों से, दूसरे लोगों से, अर्थात सहायकों से भी कठिन काम करवाता था। इट वाज इन दिस लेबोरेटरी, इट वाज इन दिस लेबोरेटरी दैट ही इन्वेंटेड द ग्रामोफोन इन 1878। वह अपनी प्रयोग, इट वाज इन दिस लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में यह था कि ही इन्वेंटेड, उसने इन्वेंटेड में आविष्कार किया, उसने आविष्कार किया ग्रामोफोन, बात करने वाली मशीन, इन 1878 सन 1878 ईस्वी में उसने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1879, और इलेक्ट्रिक बल्ब या विद्युत प्रकाश का आविष्कार 1879 ईस्वी में किया। बिसाइड्स दी, बिसाइड्स माने अतिरिक्त, बिसाइड्स दी इन आविष्कारों के अतिरिक्त He invented many more very useful and interesting things. इन आविष्कारों के अतिरिक्त ही invented, उन्होंने आविष्कार किया many more, बहुत सारे, very useful, बहुत लाभदायक and interesting things, और रुचकर आनंददायक वस्तुओं का भी आविष्कार किया। That was why, इसलिए या इसी कारण से, that was why, इसलिए इसी कारण से he was called the मॉडर्न विजर, इसीलिए वह मॉडर्न विजर कहा जाता था, माने आधुनिक जंकर कहा जाता था मेनलो पार्क का। इन 1887 ही मूव टू ए लार्जर लेबोरेटरी इन वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी। सन 1887 ईस्वी में ही मूव, वह गया, कहाँ गया? मूव का अर्थ यहाँ पर गया से है जाने से। सन 1887 ईस्वी में वह एक और बड़ी लार्जर लेबोरेटरी, और बड़ी प्रयोगशाला इन वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी, न्यू जर्सी के नजदीक वेस्ट ऑरेंज में एक और बड़ी प्रयोगशाला में गया। देयर ही वर्क हार्ड टिल द वेरी एंड ऑफ हिज लाइफ to make the world a happier place to be. There he worked hard. वहाँ पर भी उसने worked hard, कठिन परिश्रम किया। कब तक किया? Till the very end of his life. अपने जीवन के अंत तक कठिन परिश्रम किया। किस लिए? To make the world a happier place. इस संसार को और अधिक आनंददायक स्थान बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया, ताकि वो इस आनंददायक दुनिया में रह सके। During his lifetime, he invented or improved more than
1300 थिंग ड्यूरिंग लाइफ टाइम, अपने जीवन के समय में या